सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, राधे राधे भाई। आज है फोर्थ डे नवरात्रे का, और जैसे कि अच्छे जा रहे हैं भाई, आई होप कि आप लोगों के भी अच्छे जा रहे हैं। जैसे कि मैं सब रोज़ बोल रही हूँ, अच्छे ही जाने चाहिए, भगवान के दिन हो चाहे वैसे दिन हो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए हिम्मत आनी चाहिए, बस ये कह सकते हैं। ये नहीं कह सकते कि लाइफ में प्रॉब्लम्स ही ना आए, क्योंकि प्रॉब्लम्स आए बिगैर ज़िंदगी अच्छी हो ही नहीं सकती। प्रॉब्लम्स आएंगी तो ही लाइफ अच्छी होती है, आपको स्ट्रांग बनाते हो और आप अच्छे से कुछ कर पाते हो। तो भाई इसी के साथ मेरा पति भी आ चुका है, लेकिन उनके आज मेरे साथ जो खाम वाला काम नहीं हो रहा, थैंक गॉड। कल हल्की सी मुझे खुजली फील हुई थी, खा गया मेरा पति तो टेढ़ा ही हो गया यार। कल मुझे हल्का सा फील हुआ था, लेकिन मैं चुपचाप सो गई, तो मेरे को अभी दिक्कत नहीं हो रही। अब देखो मेरे को नहीं है तो इनको हो रही है, थोड़ी सी से मुझे होती है। तो पता नहीं ऐसा क्यों है, जब मुझे होता है इनको नहीं होता, इनको होता मुझे नहीं होता। भूले कैसे चाबी? तो भाई ये जो है ना धूल वाली प्रॉब्लम, ये भाई बहुत गंदी है, इतनी गंदी है बता नहीं सकती। मेरे को डेढ़ हफ्ते से परेशान किया हुआ था इस प्रॉब्लम ने। और ये ऐसी है कि आपको ज़रूरी नहीं कि हर टाइम रहे, अगर आपको थोड़ा सा भी फील हो गया ना कहीं पे धूल है, तो आपको फिर ना ये खुजली होने से रोक सकता है, ना आपको आँखों पर खुजली होने से रोक सकता है, ना ये जुकाम से रोक सकता है। भाई बहुत गंदी बीमारी है ये। और भाई आज पता नहीं क्यों मुझे ना आलस फील हो रहा है, मुझे नहीं पता क्यों फील हो रहा है। क्योंकि कल जो खाना खाया था भाई, वो खाना भाई सब इतना, खाने को नहीं बोल रही हूँ, जो खाना बनाया था खाना एक तरीके से वो वेस्ट हुआ। कल हम लोगों जो थाली मंगाई, वो थाली मुझे ऐसे लगी जैसे कल मैंने व्लॉग में बताया था कि हमने पैसे दिए, खाना मंगाया, थोड़ा सा खाया और छोड़ा है, तो वो वाला काम कल हुआ है। और खाना सच में नहीं, वो पैसे दे के खाना खाने लायक भी खाना नहीं था, क्योंकि अगर खाने में टेस्ट नहीं है और आप खाना खाकर नहीं आ रहे, खाना छोड़ कर रहे हो, इसका मतलब खाने में बुराई तो है कहीं ना कहीं, खाने मतलब बनाने वाले में बुराई है। तो कल मैं बोलकर तो आई थी कि भाई अपना हलवाई बदलो, खाने में टेस्ट नहीं है, बिल्कुल भी कुछ नहीं है। पता नहीं लोग, एक चीज़ मुझे बहुत अजीब लगे, खाने में कुछ नहीं है तो लोग खा कैसे रहे हैं उस खाने को, मुझे समझ नहीं आ रहा। मतलब इससे ये पता चलता है कि आज के टाइम में लोग कूड़ा भी खाने को तैयार हैं। अगर बाहर कुछ भी मिल रहा है ना, अगर बस घर का नहीं है वो, तो लोग उसे भी खाएंगे। तो ये चीज़ भाई मेरे को अच्छी नहीं लगी। अगर खाने में कुछ टेस्ट नहीं है तो आप कूड़ा मत खाओ, पैसे क्यों वेस्ट कर रहे हो। बट लोगों के समझ में ये बात आती नहीं है, लोग फिर भी बाहर का ही खाएंगे, घर का कम खाएंगे। हम लोगों को, आप लोगों ने देखा होगा ब्लॉग में, हम लोग इतना बाहर का नहीं खाते हैं भाई, राधे राधे। बाहर खाना अवॉइड इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि आपकी हेल्थ आपके खाने से ही बनती है। आप क्या खा रहे हो, कैसा खा रहे हो और कहाँ का खा रहे हो। अब वैसे तो हम लोग कल श्रीराम जाने वाले थे, लेकिन हम लोग श्रीराम गए इसी रीज़न से नहीं थे, क्योंकि लॉक खुल जा। हमने सोचा है कि श्री राम पे तो खाना, देखो एक बिगर शक के भी कह सकते हो खाना बहुत अच्छा है, कोई शक नहीं है इसमें, उससे खाना बेकार है, मतलब बेकार नहीं है, ऐसी बात है। पर हमने सोचा कि घर के बाहर कोई ऐसा कुछ खुला है तो भाई ट्राई करना चाहिए, इनकेस उसे खाना अच्छा हुआ तो क्या पता हम लोग वहाँ जाना बंद कर दें, या वहाँ हम लोग लिमिटेड कर दें कभी कभार, जैसे वैसे जाते हो कभी कभार ही है। बट नहीं, ये श्री सांवरिया ढाबा हमारे जिम के थोड़ा सा आगे है, मंडी के आगे, जिसको ट्राई करना हो ट्राई कर सकता है, लेकिन अगर कूड़ा खाना हो तो बिल्कुल ट्राई कर सकता है, अच्छा खाना हो तो श्री राम पे जाए, पंचका हो जाए। क्योंकि इन दोनों के खाने ऐसे हैं कि आप बैठोगे ना तो आप बिगर खाए उठोगे नहीं, ये मुझे पता है। तो भाई चलो, बताने का ये रीज़न है कि बहुत लोग खाना खाने चाहते हैं, व्लॉग्स देखते हैं तो उस वजह से भी देखें खाने चले जाते हैं, तो अपना कुछ बनाते हैं। करो जो हरकत अभी कर रहे थे ना, जो करके दिखाओ ना, कल जो आपने करा वो पहले करके दिखाओ, कल जो आपने करा वो बताने वाली बात नहीं है। चलो करो पहले जो कर रहे थे अभी। चुप रहो, कल आप ही की वजह से गए थे उस पे, इस पे खा के देखे, क्या पता खाना अच्छा। मैंने कही थी ट्राई करने के चक्कर में ऐसा ना हो कि हमारा, हाँ, और वही हो गया। पर एक बात, लोग घर का खाना छोड़ के कुछ भी बाहर है ना तो कूड़ा खाने को तैयार है, ये तो देख लिया ना। दुनिया तो इससे पता चलता है, बस घर का नहीं होना चाहिए, कुछ भी होना चाहिए, कूड़ा भी है ना तो खा लेंगे वो। तो मुझे लगता है कि जानवर से ज्यादा ना इंसान कूड़ा खा रहा है आज के टाइम पे।
इंसान कम खा रहा है और जानवर कम खा रहा है, वो तो चलो कूड़े में ही खाता है, लोग तो जानते हुए भी खाने को उस खाने को खा रहे जो खाने लायक नहीं है। अब ये खाऊंगी तो ये चीज तो मैंने बताई थी ब्लॉग में कि जिसके सर दर्द होता है, माइग्रेन होता है, कुछ भी होता है, अगर आप लोगों को कोई कुछ खुद यूज कर रहा है ना, तो मुझे लगता है वो लोगों को बताना चाहिए। जैसे कि मैंने जब से अंजीर लेनी शुरू करी है, मेरा कैसा भी सर दर्द हो, मेरे को सबसे बड़ी बात मैं ये नहीं कह रही कि मुझे इंजेक्शन नहीं लग रहे, सबसे बड़ी बात मुझे मेडिसिन नहीं लेनी पड़ रही है। मैं तो इस बात से खुश हूँ कि मेरे को मेडिसिन लेना बंद हो गया है। अगर मेडिसिन के पैसों की जगह आप अंजीर खा रहे हो ना, तो मैं कहूंगी अंजीर बेटर है। आपका शरीर भी खराब नहीं हो रहा, आपका सर दर्द भी बंद रह रहा है, आपको दवाई भी लेनी पड़ी, इंजेक्शन लेनी पड़ी, और सबसे बड़ी बात आपको परेशान नहीं होना पड़ रहा, और आपके साथ आसपास वाले परेशान नहीं हो रहे, राइट? यस। चलो अपनी मील ले लो, दिन की शुरुआत करते। पता नहीं मुझे ना आज बहुत आलस आ रहा है, सच बता रही हूँ। आज मेरा ना ऐसा लग रहा है, अभी तुम बोलो ना कि सो जा, तो मैं सो जा। नींद आ रही है, आलस आ रहा है। एक कह रहा भैया यार आप पहले से स्ट्रेंड होते जा रहे हो यार, हम क्यों नहीं रहे इतनी जल्दी। मैं भाई मेरे को घिसते घिसते 10 साल हो चुके अपने शरीर को, मैं कैसे भी डाल सकता हूँ। वो पता है बहुत लोग ये सोचते हैं, सच बताऊं जिम में वो सोचते हैं हम जाएं पैसे दे और वर्कआउट करे ना करे वो इन जैसे हो जाए, मेरे जैसे हो जाए, तो भाई वो पॉसिबल नहीं है। मेरा तो शरीर चलो शुरू से ही ऐसा, मैं तो नहीं कहूंगी मैंने इतने साल मेहनत करी। हाँ मैंने कुछ टाइम तो मेहनत करी थी, और मेहनत करो तो रिजल्ट दिखता है। तो इनकी तो मेहनत भाई, इनकी मेहनत तो कंपेयर मत करो अपनी मेहनत से। चलो तो बढ़िया है, साफ कर दे, ठंडी ठंडी और चाहिए तो ये साफ करते रहना पड़ेगा। वो कह रहा हर 1.5 महीने में साफ कर लेगा भैया, 1.5 महीने में इतना ही कूड़ा दोबारा नहीं रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। दोनों में घर का हो चाहे वहाँ का हो, घर के फिर भी ये है ना कि थोड़ा सा यूज कम होता है, उनका जिनका ज्यादा यूज होता है उसकी सफाई ज्यादा, क्योंकि वो सफाई साफ नहीं होता, ठंडा नहीं करता, फिर उसको 16 में चलाओ या कितने में चलाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने काम खुद करो, यही काम वो इस सर्विस वाला करके जाएगा, उसके लिए उसको पैसे दो। मेरे लोगों में आलस की बात है ना, करे कौन, सोने को तो लोग सर्दियों से तैयार हो जाते हैं, पर करने को कोई तैयार नहीं होता। मैं ठंडी हवा खाने के लिए, पर एसी उसमें हम चलाते रहते हैं ना तो खराब हो जाता है एसी, इसी कारण खराब होते हैं। कर दिया नहीं, नीला कपड़ा दे, एक थोड़ा सूखा कपड़ा दे। गीला भी देना पड़ेगा, कितना काला हो रहा है। हाँ तो इसमें ही है सब यूज कर कपड़े को। अब इसी को साफ करने के लिए दे तो दे 1000-2000 दे देते हैं ना। हाँ और ये पति से करा लो, ना पैसे देने ना कुछ। हाँ
कितना अच्छा काम है, तो कितना नीट एंड क्लीन हो गया। और कैसा था ये जब? नाइस, थोड़ा ध्यान से करना। हो गया तो आ जाओ। ये पंखा, किचन का पंखा ले ओ। क्या हुआ, प्यास लग रही है? ओ भाई आ गया गाड़ी साफ करने लगे भैया। ये सही है, समय पे चीज साफ हो जाती है ना तो अच्छा लगता है। मैं भी सोच एक बार शीशे किचन के ना दोबारा साफ कर दूं एक बार, और पहले आप अपना काम करो, उसके बाद मैं अपना काम करूंगी। अभी इस पंखड़ी पे गंदा है, आईसी वाली पे। अरे हाथ गंदे लग रहे बार बार, इस मारा हो रहा है बस। अरे बाहर की तरफ कह रही हूँ, सारी पंखड़ियों बाहर की तरफ। बाहर की तरफ? हाँ नीचे बाहर की तरफ। हाँ नहीं नहीं बिल्कुल शुरू शुरू की यहाँ? नहीं आगे की तरफ, आगे की तरफ पॉइंट पॉइंट पे यहाँ। अरे पंखड़ी कहाँ स्टार्ट होती है? हाँ यहाँ सबके नीचे। ये गंदा नहीं है, देखो इधर है, देखो खा रही है, देखो इधर इधर ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये हट भी ना रहा। लोहा खराब हो गया ना? लोहा खराब हो, कोई नहीं थोड़े टाइम में बदल लेंगे पंखे। ऊपर से हो गया साफ? आ जाओ, बहुत मेहरबानी। हालत देखो ऐसा ही होता है काम करने के बाद, मजदूर ऐसे ही नहीं उतरता है। मजा आ गया, कर दिया ना। हाँ और साथ साथ मैंने एक नुकसान भी कर दिया, ये निकाल के आधा आधा कर दिया इसको। फेविक भी छूट जाएगा, वो प्लास्टिक टूटी पैसे नहीं। थैंक यू, मैं तो करूँगा आराम से। रुको 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 रुको, पढ़ दे और फाड़ दो, मैं झाड़ू पोछा करूँ अपना। ओके आओ, आओ मार दिया ना। तो भाई यो जय माता दी, ना तो रेडी हो गए हैं, अब पूजा कर लेते फटाफट से, सारे काम निपटा दिए मैडम मैंने आपने। बत्ती दो, मैंने ये बनाई थी, देखो कितनी मोटी बनाई थी। माँ खुश मानविया, खुश मानी जय जय सुखदानी, मुझ पर दया करो महारानी, पंगलाज वाला मुखी निरारी, शंख भरी माँ भोली भारी, लाखों
लंबा टीका लगाया था, लंबा टीका लगाना शुरू कर दिया। अब छोटा ही नहीं गाड़ी को कमरे में लगा दो। हाँ। क्यों ज्यादा छाती पे रहेगी तो ज्यादा अच्छी बात है। यही बात सही है यार, मैं सोच रहा हूँ इसको गैराज और अलग से बनाऊंगा मैं गाड़ी का। हाँ, मैं कमरे में बना दूँ, कमरे में नहीं यहाँ कमरे में चुप रह दो। क्यों भैया? आज मैंने अपने लड्डू गोपाल के लिए राइस बनाए हैं दही के साथ और सब्जी के साथ। ये भी कहते होंगे कभी कुछ तो अलग खिला, सुबह दलिया खिलाया था। ठीक है, खा लेना ना हुआ यार काम। कोई बात नहीं, पता है आपके वजह से मैंने खाना नहीं खाया। मैं सोच रहा था, इसमें क्यों डाल रहे हो? बस आपने इतना तो मेरे को भूख भी नहीं लगी, और फिर आपने एक बार फोन करके पूछा भी नहीं खाना खाया कि नहीं खाया। बताओ ऐसा कहीं होता है कि अभी भी वेट कर रहे हो आप, वहाँ जा रहे हो कहीं भी, कोई मतलब ही नहीं है। क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है यार, काट लेंगे अपन तो जिंदगी ऐसे ही। कोई नहीं पूछेगा तो कोई बात नहीं। क्या खाना नहीं खाएंगे उसकी जगह में? खा लिया मैंने खाना, जरूरी नहीं है कि आप बाहर जाओ तो मैं भूखी मरूं। वाओ, क्या वाओ, मैं कोकोनट लिया है। धन्यवाद, बहुत बड़ा। कॉफी कर लाऊं? और भाई मेरी कल एक बेडशीट आई थी, मैं आप लोगों को वो भी दिखाती हूँ बिछा के। कल मैंने वो ट्राई नहीं की है, पहले मैं काम देख लूँ क्या करना है इसको। क्या आपको क्यों बताओ कौन आया था, क्यों बताओ आप घर में कौन आया कौन नहीं आया? वो तो उसको पता रहेगा ना जो घर में रहेगा। आप घर में रहोगे तो पता चलेगी ना कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो भाई आज कॉफ़ी थोड़ी सी बनाई है इनके हिसाब की, देखते हैं पसंद आती है नहीं आती है, तो इनका रिएक्शन। तो मैं आपके चक्कर में पता सोई भी नहीं हूँ, सोई नहीं हूँ, कुछ नहीं करा, सिर्फ थोड़ी सी फोन में बात करी है। सरकारी काम करवाना बहुत मुश्किल काम है, सरकारी के प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करना भी बहुत मुश्किल काम है। हाँ, जब करवाओगे तब पता चलेगी। तो भाई इनको कॉफ़ी बना के दिया स्पेशली, और अभी भी इन्होंने आज भी यही बोला है कि इस कॉफ़ी में कुछ खास नहीं है, कल जैसी है, मतलब बना के दो। आपको वो चीज़ याद आती जब आप बनाते, मैं नुक्स निकालती हूँ, आपको तभी भी याद नहीं आती होगा? तभी तो मैं नुक्स निकालता हूँ। जान बूझिए, जान बूझ कर दो ना, कौन जान बूझ के बोलो सॉरी, सॉरी बोल रहा, सॉरी बोल रहा में ला दे थोड़ा सा। सॉरी बोला तभी लाऊंगी। सॉरी। तो भाई बिगर बिस्किट के तो कॉफी भी नहीं चली जा रही जुबान के, तो कॉफी के साथ बिस्किट तो कंपलसरी हो गया है।
बिस्किट चाहिए तो ही काम चलेगा। चलो आपके पार्ले जी बिस्किट पार्ले जी है, बट अभी वो खुला नहीं है, खुला रखा था। तो आप एक गुड्डे ले लो, तो गुड्डे दे रही हूँ, ऊपर से पार्ले जी मांग रहे हो। और तो भाई पार्ले जी जैसे एनर्जी भी कॉफी चाहिए, एनर्जी कॉफी पी के वैसी अभी आनी चाहिए आपको। और कल भी आपने ये शर्ट पहनी थी घिसी पिटी, अब इसे धोने दोगे धोने दो, कल को लोग बच्चे बोल देंगे कि भाभी तो कपड़े नहीं धोती है। अब क्या हो गया, ये अच्छी है, बटन टक 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 करो। ऐप देख रही हूँ, ऐप सुनी देख रही हूँ। चलो ये समेट देते हैं और आपको बताते हैं मैं क्या कर रही थी इन खिलौनों के साथ अभी ब्लॉग में। ये खिलौने क्यों रखे हुए भाई यहाँ? अरे यार वो ना आज भाई की बेटी से बात कर रही थी ना, तो एक तो छोटा इतना है कि उससे बात करो तो पता नहीं चलता कब टाइम बीत जाता है, तो मैंने ब्लॉग में कभी वो चीज़ ली नहीं होगी, बात बहुत कम होती होगी, वो छोटा बहुत और भाई बिजी भी रहता है, तो आज से बात कर रही थी तो आज वो फ्री होगा पूरा। अरे वो टोटली फ्री था, तो उसने ना पहले अपना ना एक चीज़ दिखाई, वो ना ऐसा लाया एक टाइम, तो मैंने कहा रुक मेरे पास खुल गया, फिर वो दूसरा लाया, मेरा एक बेडरूम भी है, हाँ। मेरे पास पिलो है, तीन पिलो तीनों पिलो अलग अलग दिखाई, मेरी ये किचन है, ये मेरा फ्रिज है, फ्रिज में मैंगो है, फ्रिज में सब्जी है, फ्रिज में टमाटर है, ये मेरा मंदिर है, मंदिर में मैंगो है, और कहता फिर कहते हैं ये मेरी मम्मा है, ये मेरे पापा मम्मा का ये नाम है। अच्छा फिर कहता है मैंने खाने में क्या खाया, कहता रोटी सब्जी, मैंने कहा सब्जी आलू की और कैप्सिकम की थी, और खाया कहता उसने खीर, खीर खाई है, और बताएगा क्या सब्जी रोटी, किसकी खीर फेवरेट है, और कैप्सिकम खाता है पिज्ज़ा पे। अच्छा तो मैंने कि इसे कौन चाहिए, वही इसको देख के खुश हो गया बंदर, मेरे पास टी शर्ट है ठीक है, मुझे लगा नंगा होएगा, कच्चा उतार के बोलता मेरे पास ये भी है कच्चा, मुझे मुझे लगा वो वैसे दिखा रहा है अंदर, बैठा अच्छा निकाला, कहता मेरे पास ये भी है, तो मैंने कहा वो तो दूसरा भी ला के दिखा सकता था, अपने ला के दिखा दिया। मैं बहुत हंसी है, बहुत फनी है वो बिल्कुल भाई की तरह। तो भैया अभी खिलौने तो मैं बात तो लगाऊंगी, पहले पीऊंगी कोकोनट जो कि मेरा पति लाया है, बोलो कि मेरा पति लाया है, मैंने पैसे दिए, पूरी बात बता, हाँ पूरी बात बता दी। पाइप कौन गया, पाइप इसी में है, ये नहीं बोलोगे मैंने कॉफी बना के दी है, मैंने बता दिया वो कॉफी वाला काम। और यार कभी कभी ना ये देख बोलते हैं अब मैं क्या छीलू इसको, क्या करूँ ऐसे दे दिया उसने। ये मेरे को समझ के गोप इसके अंदर, आपको समझ के तो ऐसे नहीं जाएगा, आंगली में मत लगवा लियो, कल यार DAF डलवा के लाना पड़ेगा, कितना मीठा है। कभी कभी मुझे कोकोनट में मीठा मिलता है ऐसा लगता है, उस कोकोनट में ना किसी ने उसके अंदर चीनी डाल दी पहले, पी ले आप सो जाओ। थैंक यू मैडम, बस पी लिया जैसे तैसे, पहले मैं सोची थी फेंक दूं, पर मैंने सोचा क्या पता मलाई उसके अंदर, देखा तो उसके अंदर मलाई थी, नहीं खाना, खा लिया बस उतने, खा लूंगा अभी। आपको खाना खाते समय एक बार फोन पे चिपक गए ना भाई, वो कोई उसको छुड़ा नहीं सकता, फिर कोई जल्दी से तो मुझे बहाना देके बुलाना पड़ता है किचन में, ये कब वो करो तब जाके तुम थोड़ा फोन करते हो, आदत सुधारो भाई, सारे फोन पे चेक उठने का, और आई थिंक ये सारे पति की दिक्कत है, आदत सही है मेरी, काम कर दिए ना मैंने, पंखा दे दी कैसे साफ चमक रहा है, सजाया है, मैंने इसमें कितने वक्त हो गया आए हुए, मुझे जब से साफ ही कब किया,
बड़ी आज खा ले और अपने प्यार से गिलाए और हाथ से गिलाए, कौन नहीं खा लेगा। ये छोटो आज ये दोनों कर रहे हैं, आज वर्कआउट नहीं करना है। गर्ल स्ट्रोक चल रही है। हाँ रितिक जी क्या बात चली, नहीं बताना, चलो ठीक है ठीक है। तो भाई ये खाना वाना मैंने भी खा लिया, उन्होंने भी खा लिया है और भाई आके सो चुके हैं और आज सच में वाली लड़ाई हो चुकी है। रीज़न क्या है, रीज़न में छोटा सा है कि मैं जल्दी आ गई थी और ये लेट आए, तो भाई गुस्सा होके मेरे पति देव सो चुके हैं ऑलरेडी, सो ही नहीं मतलब उठे हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। तो भाई आज ब्लॉग मैं एंड कर देती हूँ, तो भाई इस ब्लॉग को ये एंड करते हैं और आपसे कल मिलते हैं मॉर्निंग में। देखो गुस्से में देखो आवाज़ देखो कितनी कड़क हो रही है, ऐसे है नहीं है। तो भाई कल आपसे मिलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे।